अनिल कुमार, फिरोजाबाद, कहाँ के रहने वाले दोस्त? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद जी। तो नोएडा में काम कर चुके हो या पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार आया हूँ। किसके थ्रू आया हो? भैया रहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है साहब आपका? मुनव्वर। मुनव्वर, हाँ। कहाँ के रहने वाले हो साहब? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो? यस। तो इसमें काम करते हो? हाँ। कितना सैलरी उठा लेते हो महीने? सैलरी इसमें उठा ले 20-25 हज़ार। कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं। हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं इसरार, आप देख रहे हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हैं डिक्सन कंपनी की एक दूसरी ब्रांच में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोट का प्रोडक्ट बनता है, जैसे हेडफोन हो गया, ब्लूटूथ वगैरह हो गया, सब कुछ बोट का बनता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भर्ती चल रही है ना। तो अभी चलते हैं, अभी कंपनी की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ये रहा कंपनी। व्यू की हम बात करें तो यहाँ सामने से मेन गेट है और चारों तरफ आपको कंपनी ही कंपनी दिखेंगी। बात इसी कंपनी की नहीं है, बात अगर आप नोएडा में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे नौकरी कमी नहीं है, यहाँ पे लोगों की कमी है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंपनी की हम बात, यहाँ पे देखो भर्ती हो रहा है, लोग भर्ती ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी हाथ में है। और जैसा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कंपनी का नाम है डिक्सन। वैसे डिक्सन का ही ब्रांच है ये। अगर हम पूरे एड्रेस की हम बात करें तो प्लॉट नंबर 2017 सेक्टर 85 नोएडा का ये लोकेशन है ना। वैसे मैं अपने वीडियो की स्क्रीन पे लगा दूंगा अगर आपको कहीं से दिक्कत होगी समझने में, है ना। कंपनी की बात करें, कंपनी आप देख पा रहे होंगे चमचमाती हुई शीशे की चमक रही है। और जो लोग अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं और जो लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, है ना। तो पहले ही मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर नौकरी की कमी नहीं है, यहाँ पर लोगों की कमी है। कंपनी के ठीक सामने लोग आ चुके हैं भर्ती के लिए, कुछ लोग ज्वाइन भी ले रहे हैं। और जैसे इन भैया से हम बातचीत करते हैं, जैसे कि इनके हाथ में डॉक्यूमेंट है ना, और देखते हैं किस तरीके से भर्ती लेते हैं ना। इनके आसपास में ही रहते हैं, ये देखो भर्ती हो रही है, बातचीत हो रहा है दोस्तों। सैलरी वगैरह का जब तक बातचीत क्लियर नहीं होगा कैसे लोग भर्ती लेंगे। ये देखो लोग आ रहे हैं। और टाइम की बात करें तो दोस्तों अभी सुबह के हो रहे हैं 6:45 हो रहे हैं, 6:45। दोस्तों एक घंटे बाद ना मेला लग जाता है, मेला जैसे लोगों की भीड़ लग जाती है एकदम, जैसे कहते हैं ना लोग मेले में आए उस तरीके से कंपनी के सामने लोग रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि सुबह के टाइम ही भर्ती होती है ना, उसके बाद 10 के बाद लोग काम करते हैं कंपनी के अंदर जाके। जैसा मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, थोड़ा सा वहाँ भी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ पर भर्ती हो रही है, कॉन्टैक्ट बेस पर होता है ना, आप कंपनी में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। कंपनी वाले क्या है, कुछ लड़कों को रखते हैं कॉन्टैक्ट पर, उसके बाद लड़के जो है कि भर्ती लेके फिर कंपनी को दे देते हैं, है ना। अब आगे कंपनी की तरफ से ही आप रहते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अभी भैया से हम बातचीत करते हैं, कंपनी के ठीक सामने ही है हमें, है ना। ये रहा कंपनी जो कि मैंने आपको बताया बोट का प्रोडक्ट बनाती है, चाहे बोट का ब्लूटूथ हो गया, चाहे हेडफोन्स हो गया, है ना, स्मार्ट वॉच वगैरह। तो अभी हम भैया से बातचीत करते हैं जो लोग यहाँ पर ले रहे हैं भर्ती, है ना। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डाल देंगे यहाँ पर। तो हमारे साथ हमारे भैया हैं जो है कि, क्या नाम है साहब आपका? गौतम जी हमारे सामने हैं, अभी इनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं, है ना। जूमिंग ज़्यादा हो गया, हम कम कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। अच्छा डाल दो, ठीक है डाल दूँगा। कहाँ से बात कर रहे हो? यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह ली जा रही है, मैं आपको दिखा दूँ। तो भाई साहब हमारे सामने भैया है हमारे जो कि पहली बार ही नोएडा आ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। और कंपनी के ठीक सामने है, ये भी भैया ज्वाइनिंग के लिए आए हैं ना, कंपनी के ठीक सामने। क्या नाम है साहब आपका? अनिल कुमार। क्या नाम है? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले दोस्त? फिरोजाबाद, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद जी।
तो नोएडा में काम कर चुके हो या पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार आया हूँ। किसके थ्रू आया हो? भैया रहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जॉब के लिए आए हो क्या? जी। देखो भैया जी, नया नया है भैया हमारे, इसीलिए मैं कहता हूँ ना भाई, जो नए होते हैं ना उनकी मैं मदद करता हूँ, है ना। इन भाई देखो नया है तो इनको जानकारी नहीं, तो मैं बता देता हूँ। जो भी दिक्कत भाई मुझसे पूछ सकते हो, है ना। कोई भी दिक्कत हो यहाँ नोएडा में रहने से या फिर काम से, काम के मामले में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चैनल भी अपने भाई का, तो उसको देख सकते हो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नोएडा इसरार A to Z के नाम से, है ना जी। ठीक, तो आप देख सकते हो उसको। वैसे मैं उनसे बातचीत करता हूँ अभी, जो अभी भर्ती ले रहे हैं। तो दोस्तों लोगों का भीड़ आना शुरू हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ अपने कैमरे से, है ना। अभी डिक्सन कंपनी का ठीक सामने है, एड्रेस की हम बात करें 2017 सेक्टर 85 नोएडा का ये लोकेशन है। और यहाँ से ओवरऑल व्यू की बात करें तो देखो अभी भीड़ नहीं थी ना दोस्तों, अब देखो भीड़ हो चुके हैं, लोग आ चुके हैं ना। तो अगर आप भी जॉब करना चाहते हो तो एक बार यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, है ना। वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर का जो नंबर होता है मैं अपने वीडियो की स्क्रीन लगा दूँगा, जिससे कि आपको ईजी होगी, है ना। कैंटीन फ्री है, है ना, बस की सुविधा है। और बाकी आपको 10,789 रुपये आपको सैलरी मिल जाता है लमसम, है ना, लमसम यही आपको सैलरी मिल जाती है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड और वैक्सीनेशन, हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट, है ना, ये सब लेके आप आ जाना तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, है ना। भैया काम करते हो क्या इसी में आप? अच्छा, बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है साहब आपका? मुनव्वर। मुनव्वर कहाँ के रहने वाले हो साहब? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो? यस। तो इसमें काम करते हो? हाँ। इतना सैलरी उठा लेते हो महीने? सैलरी में उठा ले 25,000। कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं। आप बताओ साहब। ठाकुर भानु प्रताप सिंह मेरा नाम हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, रामनरेश पाली। कहाँ रहने वाला साहब? जिला फिरोजाबाद। अच्छा, कितना ड्यूटी काम करते हो? 10 घंटे। कितना महीना कितना उठा लेते हो साहब? पड़ जाते हैं 14-15 हज़ार। चलो कोई दिक्कत नहीं ना सर? कोई दिक्कत नहीं। भैया से बातचीत करके जो लोग यहाँ काम करते बहुत अच्छा लगा, ये देख रहा हूँ मुझे बातचीत होएगा। और बाकी ओवरऑल व्यू की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और है ना,